कि अल्लाह ताला हमको रोज़ी देता है, वो राज़िक है, रोज़ी देता है, फिर हमें रोज़ा क्यों दिया? نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله अबलगना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मुअज्जमिद व अला आलिही व सहाबीही व आलिही व सहाबी बारिक व सल्लम। अल्लाह ताला रज़्ज़ाक है, रोज़ी देता है। सिर्फ रोज़ी मिलती रहे और खुशहाली पर खुशहाली हासिल होती रहे तो बंदा अल्लाह को भूलने लगता है। कभी कभी उसके दिल में अपनी बड़ाई का एहसास और तकब्बुर के जज्बात भी पैदा होने लगते हैं। तो अल्लाह ताला ने रोज़ा को मशरू किया, बल्कि इसका हुक्म दिया और साथ ही साथ रोज़े की हिकमत पर भी रोशनी डाल दी। अच्छा, हिकमत भी अल्लाह ताला ने बता दी। अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए और तुम ही पर नहीं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहले के लोगों पर भी फ़र्ज किए गए। तो पहली उम्मतों से ये सिलसिला चला आ रहा है। मजहब दीन तो आदम अला नबीना वलिस्तातुस्सलाम से लेकर हर नबी के दौर में और आज भी इस्लामी था, इस्लामी है, इस्लामी रहेगा। तो इस इस्लाम का रोज़ा ऐसा हुक्म है जो पहली उम्मतों में भी जारी था और आज भी जारी है। सुभानअल्लाह, ऐसा क्यों है? तो अल्लाह ताला ने उसकी वजह बयान फरमा दी, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम लोग तकवा शार और परहेजगार हो जाओ। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। रोज़ा रखने से बदन के अंदर, तबीयत के अंदर जो शहवानी जज्बात होते हैं, बुराई के जज्बात, जी शैतान के तरफ रागिब होने के जज्बात, वो सारे जज्बात टूट जाते हैं और बंदा शैतान से टूटकर, नफ्स अम्मारा से टूटकर, जज्बात शहवानी जज्बात से टूटकर और बहुत से लोगों से टूटकर एक अल्लाह का हो जाता है। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। अल्लाह ने रोज़ी दी और फिर रोज़ा दिया ताकि रोज़ा रखकर बंदा अल्लाह के लिए हो जाए, अल्लाह की रोज़ी पर उसका शुक्र अदा करे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो फिर हुज़ूर, रोज़ा कहते किसे हैं? रोज़ के माना आते हैं दिन, उर्दू जबान में जी रोज़ का माना है दिन, और फारसी में भी रोज़ का माना है दिन। दिन दिन, हाँ, डे जी, डे डे डे, दिन डे जी। चूंकि रोज़ा नाम है तीन चीज़ों से बचने का, बाज रहने का, जी सुबह सादिक से लेकर दिन डूबने तक अल्लाह की इबादत की नियत से तीन चीज़ों से रुकने का नाम है रोज़ा। जी वो तीनों चीज़ें क्या हैं? खाना पीना और बीवी के साथ जमा, ये तीन चीज़ें हैं। जी इन तीनों चीज़ों से बचने का हुक्म दिन में दिया गया है। जी जो उर्दू जबान में भी रोज़ है और फारसी जबान में भी रोज़ है, रोज़ है, इसलिए इसको रोज़ा कहा जाता है। हाँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरबी में इसके लिए सौम का लफ्ज आता है, सौम, जी सौम का लफ्ज आता है जी। और
अल्लाह ताला ने फरमाया हाफिज नहीं हूं, कोई हाफिज हो तो जरा मेरा ताउन कर दे जी। कुलू वशरबू हत्ता यतबैन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र जी। खाओ और पियो जी, खा सकते हो पी सकते हो, कब तक? हत्ता यतबैन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र जी, यहां तक कि फजर का यानी सुबह सादिक का सफेद धागा काले धागे से अच्छी तरह से रोशन और मुमताज हो जाए जी। फज्र का धागा, शुरू शुरू में जब यह आयत नाजिल हुई थी तो मिनल फज्र का लफ्ज नहीं था उसमें जी, तो उसका मतलब क्या था कि रात का सुबह का तारीख रोशन धागा, सुबह का सफेद धागा रात के तारीख धागे से वाजे और मुमताज हो जाए। तो बाज सहाबा को उसमें कुछ कंफ्यूजन हुआ, कंफ्यूजन हो गया, हाँ, उलझन हुई, उलझन हुई, इससे क्या मुराद है? हजरत अदी बिन हातिम ताई जी, हातिम ताई का नाम आपने बहुत सुना होगा जी, वो सखी सखी, हाँ, हाँ जी जी, वो तो ईसाई था, बहुत बड़ा सखी था। उसका उसके लड़के हैं हजरत अदी बिन हातिम जी, ये सरकार की बारगाह में हाजिर होकर इस्लाम लाए थे। सुभानअल्लाह। तो ये अदी बिन हातिम ताई रजी अल्लाह तआला का बयान है कि जब यह आयत करीमा नाजिल हुई तो उनको समझने में कुछ दिक्कत हुई, तो उन्होंने क्या किया, एक धागा काले कलर का लिया और एक धागा सफेद कलर का, सफेद कलर का, और तकिया के नीचे रख लिया। अच्छा, हाँ, तकिया के नीचे, और तकिया हटा हटा कर देखते रहे, हाँ, कि काला सफेद, काला सफेद पता चलता है कि नहीं। अच्छा, तो जब काला सफेद पता चलने लगा तब उन्होंने फैसला किया जी कि अब खाने का पीने का वक्त चला गया जी, अब खाने पीने जमा से बाज आने का वक्त शुरू हो गया जी। सुबह को हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, करीमा नाजिल हुई, मैंने तो ये समझा है, मैंने ऐसा ऐसा किया। तो सरकार सलाम भी कभी कभी तफरी फरमाते थे। अच्छा। तो हुजूर ने फरमाया कि तब तो तुम बहुत चौड़ी बुद्धि वाले हो। क्या फरमाया? चौड़ी बुद्धि वाले हो। चौड़ी चौड़ी बुद्धि, बड़ी बड़ी अक्ल वाले हो। हाँ। ये तफरी थी जी। उस मौके से अल्लाह ताला ने आयत करीमा फिर नाजिल फरमाई और उसमें लफ्ज मिनल फज्र का भी आया। अच्छा। तब लोगों ने समझा कि यहां रात का कोई सफेद धागा नहीं है न काला धागा है, यहां सुबह सादिक मुराद है। सुबह सादिक, असल में सुबह सादिक से पहले एक सफेद धागा और आता है जो लंबाई में ऊपर से नीचे को आता है और थोड़ी देर में वो फिर काला हो जाएगा। तो वो काला धागा, वो भी धागा है, वो सफेद हो करके और फिर काला धागा होता है, उसको सुबह काजिब कहते हैं, झूठी सुबह जी। वो जो थोड़ी देर के बाद उत्तर से दक्षिण की तरफ एक धागा नमूदा होता है, रोशन होता है जी। वो धागा जब ये भी सफेद होता है, जब ये जाहिर होता है तो फिर डूबता नहीं है, वो धागा बढ़ता जाएगा और रोशनी फैलती जाएगी, धागा बढ़ता जाएगा और रोशनी फैलती जाएगी जी। उसको सुबह सादिक का धागा कहते हैं जी। जी, सुबह सादिक का धागा सफेद होता है और उसकी सफेदी और रोशनी बढ़ती जाती है यहां तक कि दिन निकल आता है जी। जी, तो जिस वक्त ये उत्तर से दक्षिण की तरफ सफेद धागा चमकने लगे तो समझ लो कि सुबह सादिक तुलू हो गई, निकल आई और अब रोजे का वक्त शुरू हो गया जी। अब खाना पीना नहीं है, अब खाना से भी रुक जाना है, पीने से भी रुक जाना है, बीवी से भी रुक जाना जी, तीनों चीजों से रुक जाना है। तो कुरान पाक ने यहां बयान कर दिया है कि खाना कब तक खाएंगे पिएंगे, जब तक कि सुबह सादिक रोशन न हो जाए जी, और जब सुबह सादिक रोशन हो जाए तो अब खाना पीना जमा तीनों चीजें बंद हो जाए। मगर हमारे अब ये जो बंद हुआ कब से बंद हुआ जी, सुबह सादिक से ही शरई तौर पर दिन शुरू हो जाता है जी, और कब तक शुरू होता है
قرآن پاک میں اتم الصیام اللیل روزہ پورا کرو رات تک رات تک تو جب دن ڈوب جاتا تو رات آ جاتی ہے جی تو یہ پورا جو دن ہے جی یہ روز ہے جی اس روز میں تین چیزوں سے بچا جاتا ہے جی اس لیے اس کو روزہ کہا جاتا چاہے وہ لمبا ہو چاہے چھوٹا ہاں چاہے چھوٹا ہو ہاں جیسے یورپ میں 22 گھنٹے کا دن کبھی گرمیوں میں ہوتا ہے ان کا روزہ ذرا لمبا ہوتا ہے لمبا ہوتا ہے سب لازما ہوتا ہے جی مگر یہ اللہ کی قدرت ہے کہ ان کے ہاں پورا موسم اے سی سے بڑھ کر ہوتا ہے جی اور سردیوں میں وہ چھوٹا بھی ہو جاتا ہے سردیوں میں وہ چھوٹا بھی ہو جاتا ہے توازن برابر رہتا ہے شام 4 مغرب ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے ہاں تو ہے ان کے یہاں بھی آسانی ہے اس میں بھی کوئی حکمت ہے حضرت جو ہم قمری مہینوں کے حساب سے ہم یہ کیلنڈر چلاتے ہیں اور کبھی روزہ لمبا ہو جاتا ہے کبھی چھوٹا ہو جاتا ہے اس میں بھی کچھ حکمت ہوگی نا ہاں ضرور حکمت ہے جی اگر ایک ہی موسم میں پڑتا جی تو لوگ گھبرا جاتے کہ ہمیشہ ایک ہی موسم میں آتا ہے چلو اب فلاں موسم میں کھانا پینا بند اللہ تعالیٰ نے یہ شرف ہر مہینے کو بخش دیا سبحان اللہ ہر موسم کو بخش دیا سبحان اللہ سردی کا موسم ہو تو اس کو بھی روزے کا شرف مل جاتا ہے ماہ رمضان مل گیا اس کو ماہ رمضان مل گیا جی اور گرمیوں کا موسم ہو تو اس کو بھی ماہ رمضان مل گیا سبحان اللہ اور برسات کا موسم ہو تو اس کو بھی ماہ رمضان مل گیا سبحان اللہ سبحان اللہ ورنہ ایک موسم کو فخر ہوتا اور دوسرے تمام موسم پر وہ فخر کرتا جی جی تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو فخر موقع نہیں دیا بلکہ سب کو اللہ تعالیٰ نے نواز دیا اور ہر موسم میں ہماری آزمائش ہوگی ہاں ہماری آزمائش ہوگی جی اور ان کا اعزاز ہوگا ہر موسم کا اعزاز ہوگا جی جی اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اس نے ماہ و سال کو بھی فضیلت دی ہے سبحان اللہ اعزاز بخشا ہے جی دنوں کو بھی اعزاز بخشا ہے جی تو جو دن پہلے سے معزز تھے ان کو بھی عزت دی جی اور جو دن پہلے سے معزز نہیں تھے جی ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے معزز کیا سبحان اللہ جیسے جی جمعہ کا دن بہت مبارک دن ہے بہت متبارک دن ہے جی لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جمعہ کے دن نہیں ظاہر کیا کہ وہ تو متبرک ہی ہے ہی ہے ایسے دن میں پیغمبر اعظم کو صلی اللہ علیہ ظاہر کرو کہ وہ دن پہلے سے متبرک نہ ہو جائے مگر آپ کے ظہور کی برکت سے وہ سراپا برکت ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیوں سے آب زمزم کا چشمہ نہیں نکلا جی وہ تو پہلے سے متبرک تھا جی جی بارہا ایسا ہوا کہ عام پانی جو تالابوں سے مل جاتا ہے کنویں سے مل جاتا ہے یہ پانی ختم ہونے لگا تو سرکار نے فرمایا کچھ بھی ہو تو لاؤ تو ایسا برتن پیش کیا گیا جس میں ایک دو قطرہ پانی تھا اور سرکار نے اس میں ہاتھ انگلیاں ڈال دی پانچوں انگلیاں ڈال دی سبحان اللہ بخاری شریف کے حدیث سے اور دوسرے کتب حدیث کے حدیث سے ہیں کہ جب سرکار اس میں انگلیاں ڈال دیتے تھے تو اس سے پانی کا چشمہ ابلنے لگتا تھا اور کبھی کبھی سینکڑوں کا لشکر اور ہزاروں کا لشکر ہو تو وہ بھی سیراب ہو جائے سبحان اللہ سبحان تو دیکھیے جو متبرک تھا اس کو چھوڑ دیا وہ تو متبرک ہے ہی ہے اور جو پہلے سے متبرک نہیں تھا عام کنویں کا پانی عام تالاب پانی عام اور کا پانی اس کو سرکار کے ہاتھوں سے مس کر کے اتنا مبارک کر دیا گیا کہ عشق رسول اعلی حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جو پانی سرکار کی انگلیوں سے نکلا یہ پانی دنیا کے تمام پانیوں سے افضل ہے سبحان اللہ اب زمزم سے بھی اچھا افضل ہے سبحان اللہ یہاں تک کہ آخرت کے پانی حوض کوثر سے بھی افضل ہے سبحان اللہ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ سبحان اللہ تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ جس جو چیز متبرک نہیں ہوتی ہے تو اس کو متبرک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی خاص حکم کوئی خاص فرمان وہاں پہ جاری کر دیتا ہے سبحان اللہ تو اب یہ قمری مہینے کا کیوں اعتبار کیا گیا جی تاکہ ہر موسم کو ماہ رمضان سے متبرک ہونے کی سعادت مل جائے سبحان اللہ روزہ آپ رکھتے ہیں اور معزز کون ہوتا ہے
वो महीना महीने माओ साल सुभान आप भी मौजूद होते हैं सुभान अल्लाह। आपके यहाँ अल्लाह का मकाम कुछ और है और इन चीजों का भी मकाम हो जाता है। आपसे निस्बत हो गई आपके रोजे से तो इन चीजों का भी मर्तबा बढ़ गया। सुभान अल्लाह, निस्बत से मर्तबे बढ़ रहे हैं। जी जी, तो बात चल रही थी सुबह सादिक की, मगर कुछ इलाकों में हम लोगों ने भी देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि लोग फजर की अजान का इंतजार करते हैं, अजान नहीं हुई अभी खा लो, अजान नहीं हुई अभी पी लो, अजान शुरू हो जाएगी तो उस वक्त बंद कर लो। गलत फहमी है लोगों की, इस पर आप क्या फरमाएंगे? मुझे तो एक बात और मालूम हुई जी। एक गांव में जाने का इत्तेफाक हुआ। हाँ, तो एक लड़के ने, ये बहुत पहले की बात है, अपनी वालदा से पूछा कि अम्मा टाइम है कि नहीं। जी, तो अम्मा ने कहा बेटा ऐसा करो कि अभी खाए नहीं हो, चिराग बुझा दो खा लो। तो अब ये सब भी चला है गांव देहात में, अंधेरा कर लो। हाँ, अंधेरा कर लो, तो अभी सफेदी का डोरा नहीं निकला। तो अब ये सब भी होता है जी, ये तो अल्लाह का करम है कि आलमी तारी सुन्नत इस्लामी आई, उलमा आए, मुबल्लिगीन आए और घर घर तक शरी मसाइल पहुंचा दिए गए। जी, घर घर तक पहुंचा दिए गए शरी मसाइल। ये असल पहचान है सुबह सादिक की जो मैंने बता दी जी, और उसी को देख देख करके हमारे उलमा ने सुबह सादिक का हर महीने में हर मौसम में वक्त बता दिया जी कि फला महीने में फला तारीख को सुबह सादिक इतना बज के इतने मिनट पर निकलेगी जी, और उससे 5 मिनट पहले खत्म वक्त सहर लिख दिया जाता है कि सहरी का टाइम 5 मिनट पहले ही, 5 मिनट बाद खत्म होगा, लेकिन सहरी खाना आप 5 मिनट पहले मौकूफ कर दें, रोक दें, एहतियातन, ताकि हम आगे ना बढ़ जाएं, आगे ना बढ़ें जी। अगर आप चलते रहेंगे तो नफ्स है ना, ये कह रहे थोड़ा सा और खा लो, तो हो सकता है कि आधा मिनट एक आध मिनट आगे बढ़ जाएंगे तो दिन भर का रोजा बेकार, रोजा नहीं होगा। इसलिए 5 मिनट पहले ही रुक जाए, बाकी 10 मिनट पहले रुक जाए जी तो अच्छा रहेगा, और जो कंट्रोल कर सकता है वो 5 मिनट पहले, क्योंकि शहरी में ताखीर भी मुस्ताब है, लेट करना मुस्ताब है जी, मैं उतने ही लेट कि यकीन रहे कि रात है जी, और जब सुबह हो जाए तो वहां तक नहीं जाना है, नहीं जाना चाहिए। एक गांव में तो मैंने ये देखा, मैंने खुद देखा है, एक गांव में कुछ 4-5 मस्जिदें थी, तो एक मस्जिद से अजान की आवाज आई तो माँ कहने लगी कि अभी अभी दूसरी मस्जिद वाली बाकी है अजान, तो अभी खा लो। ये भी चलता है, ये नहीं होना चाहिए जी। असल में अच्छा, इसमें भी कुछ लोग बदगुमानी बरतते हैं। हाँ, मैंने देखा कि शहरी का वक्त मसलन 4:25 है, अब किसी मुअज्जिन को शौक होता है कि हमारी अजान पहले हो जाए, तो अजान तो 4:25 पर ही उसके बाद होनी चाहिए, होनी चाहिए, तो 4:20 पर ही अजान दे देता है जी। तो अगर ऐसी कोई बदगुमानी बरतता है तो उसका लिहाज नहीं किया जाएगा, यानी इसका ताल्लुक अजान से है, अजान से नहीं है, टाइम से है। सहरी में ये एहतियात ये है कि 5 मिनट पहले सहरी बंद कर दी जाए जी, और अजान में एहतियात ये है कि 5 मिनट के बाद अजान दी जाए जी जी। और इफ्तारी में फिर जो होगा, इफ्तारी में तो जल्दी करने का हुक्म है, इफ्तारी में जल्दी करने का हुक्म है, तो जैसे अभी टाइम, जैसा आपने बताया टाइम टेबल होता है, तो उस पर अगर समझ में ये आया कि 6:45 पर मगरिब का टाइम शुरू हो जाता है, तो उसके बाद अजान कुछ देर के बाद होती है, तो अजान तक रुकना चाहिए या उस टाइम पे इफ्तार कर लेना चाहिए? असल में यहाँ भी मुअज्जिन लोग कभी कभी कुछ बेजा देर कर देते हैं, ताखिर कर देते हैं, खुद इफ्तार करते हैं पहले, इत्मीनान से बैठ करके पहले इफ्तार कर लेंगे। वो सोचते हैं कि हम जब बोलेंगे तभी आप लोग इफ्तार करेंगे, आप लोग इस वक्त मेरे कंट्रोल में हैं जी, तो इत्मीनान से 1-2 मिनट इफ्तार कर लिया, उसी बाद अल्लाह अकबर शुरू किया, अब लोग शुरू हुए, तो इतनी देर नहीं चाहिए जी। अगर कोई इतनी देर करता है तो बेजा है, सबको भूख लगी है, सबको पानी की ख्वाहिश है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे और आपके आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरी उम्मत खैर पर रहेगी जब तक कि इफ्तार में जल्दी करेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब इफ्तार में जल्दी करने का हुक्म है, मुस्तहब है,
फजीलत है, तो आप दो मिनट तीन मिनट की देर क्यों कर रहे हैं? आप खा लें और दूसरे लोग बैठ के इंतजार करते रहें, यह नहीं होना चाहिए। फिर क्या करें कि सबकी इफ्तारी एक साथ हो? तो उसका तरीका यह है कि मुअज्जिन साहब थोड़ी सी खजूर का थोड़ा हिस्सा दांत से काट कर मुंह में डाल लें और एक गिलास पानी पी लें, ये ज्यादा से ज्यादा 10-15 सेकंड के अंदर काम हो जाएगा। फिर अजान दे दें तो 15 सेकंड का उनको मौका दिया जाता है, 15 सेकंड में अपना काम कर लें और फिर फौरन अल्लाह अकबर शुरू कर दें जी। जब अजान हो जाए तो उसके बाद मौजिन साहब को थोड़ा सा मौका दिया जाए जी, वो भी कुछ खा पी लें, आप भी खा पी लीजिए और फिर उसके बाद। वैसे माह रमजान में ये तो एहतमाम मस्जिद में होता ही है कि अजान के बाद थोड़ा वक्फा देकर ही जमातें होती हैं ताकि लोग इफ्तार इत्मीनान से कर लें। वो अच्छा है माशाल्लाह जी। एक हदीस शरीफ के बारे में सुना था हजरत के अबू दाऊद शरीफ की, जब तुम में से कोई फजर की अजान सुने और खाने या पीने का बर्तन उसके हाथ में हो तो उसे न रखे बल्कि उससे अपनी जरूरत पूरी कर ले। ये रोजेदारों के लिए नहीं है, ये आम लोगों के लिए है। अच्छा, इस मजमून की कई हदीसें हैं। अच्छा, और सही हदीसें हैं जो बुखारी शरीफ वगैरह में मौजूद हैं जी। तो ये रोजेदारों के लिए नहीं है बल्कि आम लोगों के लिए हैं जी। और इस पर हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला ने, जो सुन्नतों पर अमल के बड़े शायक थे, बेपनाह शौकीन थे, तलाश करके सुन्नतों पर अमल करते थे, उनका भी अमल इस पर है कि अजान मगरिब हो गई और खाना उनके सामने पेश कर दिया गया जी। तो खाना खा लेते थे और उसके बाद फिर नमाज के लिए जाते थे। इज़ा उज़िया अशाउ अहदकुम फब्दौ बित्ताम, जब तुम्हारे सामने शाम का खाना रख दिया जाए जी तो पहले खाना खाओ उसके बाद नमाज के लिए। अच्छा, उसकी एक वजह समझ में आई कि अगर हम पहले खाते हैं तो जबान से मुंह से तो खाएंगे मगर दिल मस्जिद में लगा रहेगा कि खाकर फौरन मस्जिद को जाना है, और अगर पहले मस्जिद में चले जाए तो बदन तो मस्जिद में रहेगा मगर दिल खाने में दिल खाने में रहेगा। तो आप नमाज में हो और दिल खाने में हो, इससे अच्छा है कि आप खाने में हो और दिल मस्जिद में हो। जी, इसलिए ऐसा कहा गया। अच्छा, तो ये रोजी का मामला था, उसको रोजे पे फिट कर दिया। हाँ। पहले मैं सोचता था कि ये शाम का खाना, कि हम लोग तो रात में खाना खाते हैं, दोपहर में खाते हैं। तो हमारे हिंदुस्तान में भी कुछ इलाके ऐसे हैं, एक मरतबा जाने का इत्तेफाक हुआ एक इलाके में, तो वह लोग सुबह में नाश्ता करा देते हैं 9 से 10 के दरमियान और शाम को आस्था और मगरिब के दरमियान खाना खिला देते हैं जी, और रात में वो नाश्ता कराते हैं जी। तो दिन भर का भूखा आदमी, अब उसके सामने खाना आया है, भूखा है, तो उसको पहले खा लेना चाहिए फिर खा करके जाना चाहिए। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला देख रहे होते, सुन रहे होते कि इकामत हो रही है और वो खाने में मशगूल होते। इस हदीस से ये मसला हम लोगों ने समझा निकाला जी कि रमजान के महीने में लोग दिन भर के भूखे होते हैं, खाए पिए नहीं होते हैं। उन लोगों से ज्यादा भूखे होते हैं जो दिन में नाश्ता कर लिए होते हैं, क्योंकि ये तो नाश्ता भी नहीं करते, नाश्ता से बहुत पहले ये सारी खाए होते हैं। तो इनको इतना मौका मिल जाए कि इत्मीनान से कुछ खा पी लें, वो मौका 7-8 मिनट का अगर रखा जाए तो ठीक है, अजान के 10 मिनट के बाद इकामत कर दी जाए, 10 मिनट होते होते इकामत कर दी जाए, उससे ज़्यादा लेट नहीं किया जाए, फिर बाद में इत्मीनान से आप खाते पीते रहिए। अच्छा, रोज़े की कुछ किस्में भी हैं हजरत? हाँ, वो शॉर्ट में कौन कौन सी हो सकती हैं? रोज़ा एक तो फ़र्ज़ है जी, जैसे रमजान का रोज़ा जी, और रमजान का रोज़ा कज़ा हो गया तो उसकी कज़ा भी फ़र्ज है। अच्छा, तो रमजान का रोज़ा भी फ़र्ज है, उसकी कज़ा भी फ़र्ज है। ओके, और एक रोज़ा वो है जो वाजिब हो, वाजिब होता है जी। आपने मिन्नत मान लिया जी कि मेरा ये काम हो गया, मैं बीमारी से शिफायाब हो गया, मेरे वालिद वालदा ठीक हो गए, तो मैं 10 दिन का रोज़ा रखूँगा मसलन,
जी तो ये रोजा वाजिब हो गया, मिन्नत मानने की वजह से वाजिब हो रहा है जी। अब ये मुसलसल 5 दिन 10 दिन 20 दिन का आपने मिन्नत मानी है तो मुसलसल रखना पड़ेगा, और मुसलसल की कोई कैद नहीं लगाई है तो वो 10 दिन का रोजा रखना है, चाहे मुसलसल रखे चाहे तो इसमें दो सवाल यहाँ इस मामले में मेरे जहन में आए। हाँ। एक तो ये कि किसी ने मिन्नत ये रखी कि मैं 13, 14, 15 अयाम 20 के रोजे रखूंगा, यानी मेरा ये काम हो जाए, नहीं इसकी अयाम 20 की कैद नहीं लगाई लेकिन ये कहा कि मेरा ये काम हो गया तो मैं 3 रोजे रखूंगा, और फिर वो शाबान के 13, 14, 15 के रोजे रख लेता है तो उसकी मिन्नत अदा हो जाएगी। 13, 14, 15 रोजे जो के रोजे जो अयाम 20 के रोजे हैं वो रखे तो ये तो नफल रोजा होगा। नहीं उसमें वो नफल की नियत नहीं करे, उसकी नियत करे। हाँ, कजा की नियत कर लेगा तब हो जाएगा वो मिन्नत के रोजों की अगर कर ले। हाँ, कजा के रोजों की नियत कर ले तो वो कजा के रोजे अदा हो जाएंगे। हाँ। या वो नजर वाले जो होंगे वो भी अदा हो जाएंगे। हाँ, मिन्नत वाले भी हो जाएंगे, वो भी हो जाएंगे। हाँ, मिन्नत वाले और उम्मीद है कि ये सवाब भी मिल जाए, उम्मीद है अल्लाह के फर्ज से इंशाल्लाह। फर्ज रोजा वाजिब रोजा। हाँ, और ये तो नफल रोजा है जी जो आज आप लोगों ने रखा। जी जी, ये नफल रोजा जी कल रखेंगे, ये नफल रोजा जी जी। अच्छा, औरतों का जो मामला है, समझिए किसी औरत ने ये मिन्नत मानी कि मैं 1 महीने के मुसलसल रोजे रखूंगी, लेकिन उनके लिए ये मुमकिन नहीं होता कभी कभी फितरी तकाजों की वजह से, तो वो जो गैप होगा उसकी वजह से क्या फिर उनको दोबारा वो उतने दिन के रोजे दूसरे दिनों में मुसलसल रख लें, यानी फिर से दोबारा उतने रोजे रखने की जरूरत नहीं? नहीं, मुकम्मल हाँ, नहीं। हाँ, जितने रोजे जैसे 5 दिन के रोजे छूट गए जी हैज या निफास की वजह से जी, तो वो 5 रोजे रखें और वो मुसलसल रखें। जी जी जी। क्या रोजे की हालत में टूथपेस्ट से ब्रश कर सकते हैं? टूथपेस्ट बचे तो अच्छा है। अच्छा, आदत तो पड़ गई है लोगों की। हाँ, आसानी इसमें है कि टूथपेस्ट लगाया और ब्रश इस्तेमाल कर लिया, काम चल गया। रात भी इस्तेमाल कर ले, जब तक तो सुबह सादिक न हो उस वक्त रात में मगरिब के बाद इस्तेमाल कर लें। दिन में जब आप रोजे से हो तो टूथपेस्ट इस्तेमाल करना ये मकरूह है। मकरूह है, मकरूह है, क्योंकि इसमें जायका होता है ना, तो जायके वाली चीज मुंह में रखना ये मकरूह है जी। इसकी जगह पे सुन्नत है मिसवाक करना, नीम की मिसवाक, पीलों की मिसवाक जी, जैतून की मिसवाक, ये सब मिसवाक कीजिए जी। हुजूर सल्लल्लाहु तआला वसल्लम के पास लोग आते तो जैतून की मिसवाक तोहफे में पेश किया करते थे। अच्छा, पीलों की मिसवाक तोहफे में पेश किया करते थे, और आज आपके यहाँ पीलों की मिसवाक मिल जाती है, जैतून की मिल जाती है, और नीम की मिसवाक बहुत अच्छी है माशाल्लाह जी, और सागों की मिसवाक भी अच्छी होती है। तो इस तरह की मिसवाक है, ये सुन्नत है, और इससे मसूड़ों और दांतों को भी फायदा होता है। तो रोजे के दिनों में कम से कम आप इसका इस्तेमाल कीजिए। हाँ, रोजे के दिनों में टूथपेस्ट का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, इससे रोजा मकरूह होगा। रात में कर सकते हैं, रात में खा भी सकते हैं और रात में टूथपेस्ट इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन टूटेगा नहीं अगर कर लिया तो इस्तेमाल? दिक्कत तो हो सकती है अगर किसी ने बेएहतियाती की जी, तो मतलब जल्दी में जी कभी जमादी पकड़नी है, मिसवा भी करना है और उसमें कुछ चला गया, इसकी गलती अलग से उतर गया। हाँ, हल्क से उतर गया तब तो रोजा टूट जाएगा जी जी जी। तो वो काम ही क्यों करें कि गलती हो तो रोजा टूट जाए जी, है तो मकरूह रोजा नहीं जाएगा जी, लेकिन कभी कभी बेएहतियाती में रोजा जा सकता है जी, इसलिए उससे बचना चाहिए। अच्छा अच्छा, फिदिया किस सूरत में देना चाहिए? रोजे का जो फिदिया होता है वो किसके लिए? फिदिया जी कुरान शरीफ में है वअललज़ीन युतीकूनहु फिदयतुन तआमु मिस्कीन जी, वअललज़ीन युतीकूनहु फिदयतुन तआमु मिस्कीन, उन लोगों पर जो रोजे की ताकत खो बैठे, जिनके अंदर रोजे की ताकत नहीं रही, फिदिया है मिस्कीन का खाना। फिदिया है मिस्कीन का खाना जी, क्या मतलब? उनको आम जबान में शेख फानी कहा जाता है, ऐसा बूढ़ा आदमी जी जिसकी ताकत जवाब दे गई और रोज बरोज उसकी ताकत घटती ही जा रही है, वो रोजा नहीं रख सकता, रोजा रखने से आजिज हो गया है।
और आइंदा भी उम्मीद नहीं कि वो रोजा रख सकेगा, उसको शेख फानी कहते हैं, बहुत बूढ़ा आदमी। तो उसे ये इजाजत है कि रोजा नहीं रख सकता है तो रोजे के बदले में रोजे का फिदिया दे। फिदिया क्या चीज है? एक रोजे का फिदिया यह है कि एक मिस्कीन को दोनों टाइम खाना खिला दिया जाए, मगर खाना खिलाने में अगर दिक्कत होती हो तो दो वक्त ये खाने का की मिकदार शरीयत ने एक सदका फितर रखी है, 2 किलो 47 ग्राम गेहूं, एक रोजे का फदिया 2 किलो 47 ग्राम गेहूं या उसका दाम एक मिस्किन को दे दें, अदा हो गया। एक को ही देना शर्त है या नहीं, कई एक को देना कोई जरूरी नहीं है। हाँ। अगर 300 दिन का फदिया एक ही को दे दे तो भी हो जाएगा, लेकिन एक फिदिया दो को दिया, 2 किलो 47 ग्राम गेहूं जो है एक मिस्किन को देने की बजाय मैंने आधा आधा करके दो मिस्किनों को दिया। नहीं, ये तादुद नहीं चाहिए, बिला तादुद का लफ्ज आया है जी, कि इसमें तादुद ना किया जाए, एक ही को दिया जाए, एक ही को दिया जाए। अच्छा, क्या ये फिदिया रमजान शुरू होने से पहले दिया जा सकता है? नहीं, रमजान शुरू होने से पहले नहीं दिया सकता, क्योंकि जब रमजान शुरू नहीं हुआ तो अभी इसके ऊपर रोजा फर्ज ही नहीं हुआ। जब रोजा फर्ज ही नहीं हुआ जी, तो रोजा छोड़ने की वजह से उसका फिदिया भी वाजिब नहीं हुआ जी। जो चीज वाजिब ही नहीं हुई तो उसको अदा करने से वो चीज अदा भी नहीं होगी जी। जैसे फर्ज का वक्त अभी नहीं आया और हम फर्ज पढ़ लें तो फर्ज नमाज नहीं होगी, नहीं होगी, क्योंकि फर्ज की नमाज अभी हम पर फर्ज ही नहीं हुई है। वक्त आने दीजिए, वक्त आ गया, रमजान का महीना शुरू हो गया, तो अब वो 300 दिन का फिदिया आज ही अदा कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि मालूम है कि जनाब रोजा तो नहीं रह सकेंगे, तो 300 दिन का फिदिया इन पर वाजिब हो गया। वाजिबुल अदा अलग अलग हर दिन होगा, जब वाजिब हो गया तो 300 दिन का फिदिया एक दिन ही पहले दिन अदा कर सकते हैं जी। लेकिन रमजान शुरू होने से पहले नहीं, रमजान शुरू हो गया, रोजा छोड़ दिया, फिदिया वाजिब हो गया, तो अब ये 300 दिन का फिदिया एक दिन अदा कर सकते हैं। लेकिन 300 दिन का क्यों हजरत? क्योंकि अभी पता नहीं जिएगा कि नहीं जिएगा 30 दिन। नहीं जिएगा, असमें दुनिया तो उम्मीद पर कायम है ना, वो अल्लाह से उम्मीद ही रखे कि वो उसे इतना मौका अता फरमाएगा कि रमजान के 300 दिन देख ले और फिदिया अदा करके मिस्कीनों की मदद कर सके जी। नियत अच्छी रखे जी तो अल्लाह ताला अपने फजल से उसे हयात देगा, और अगर उसकी कजा आ ही गई पहले जी रमजान के दिन में तो सुभानअल्लाह मुबारक मौत है जी। इस महीने में जिसकी वफात हो जाए तो उससे सवाल जवाब कब्र का नहीं होगा। सुभानअल्लाह जी, कब्र का सवाल जवाब नहीं होगा। देखिए, आप बिल्कुल बड़ी हैं, लेकिन अगर ईडी आपको बुला ले तो आप 1000 जानते हैं कि हमारा कुछ भी मामला नहीं है, लेकिन रोंगटे तो खड़े हो जाएंगे, पता नहीं क्या पूछे, क्या जवाब होगा जी 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 जी, है ना जी। सवाल जवाब भी एक अहमियत रखता है अपने अंदर, आदमी डरता है, डरता है कि अगर कुछ भी गलती निकल गई जी तो 2 महीना के लिए जेल में जाना पड़ जाएगा। अब क्या क्या तस्वूर आता है, क्या क्या ख्वाब आएंगे, ख्याल आता है कि, तो सवाल और जवाब भी अपनी जगह पर एक मशक्कत है, एक तकलीफ है। तो जो रमजान में फौत हो जाता है तो सवाल और जवाब से, मुनकर नकीर के सवाल जवाब से वो बच जाता है। सुभानअल्लाह, मुनकर नकीर का मामला इन लोगों से बहुत सख्त होता है, अगर वहां जवाब सही तौर पर नहीं मिला तो फैसला कुछ और हो जाता है जी। तो इसलिए ये बहुत बड़ा इनाम है अल्लाह की तरफ से कि रमजान में अगर कोई वफात पा जाए तो अल्लाह ताला उसको कब्र के सवाल जवाब से बचा देता है, तो महफूज आ जाता है। ये जो कंसेशन है ये माह रमजान फिनिश होने तक है या फिर बाद में पूछा ही नहीं जाएगा? नहीं, जो बच गया बच गया, बच गया। अच्छा, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह कहिए, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। रोजे की हालत में एहतिलाम हो जाए तो क्या रोजा टूट जाता है? नहीं, रोजे के दिनों में सोया एहतिलाम हो गया
तो एहतलाम की वजह से रोजे पर कोई असर नहीं होगा, उसका रोजा सही है, दुरुस्त है। मगर यह कि उसी तौर पर रोजे का दिन ना गुजार दे, क्योंकि उसको जोहर की नमाज पढ़नी है, असर की नमाज पढ़नी है, फिर मगरिब की भी नमाज पढ़नी है, उस पर उसको चाहिए कि जल्द से जल्द गुस्ल करके अपने को पाक साफ कर ले, तिलावत करे, नमाज से वक्त आए तो नमाज पढ़े, रोजा नहीं जाएगा जी। तो गुस्ल जो करेगा तो उसमें फिर वो जो नाक में पानी चढ़ाना, गरारा करना, तो इसमें तो रोजा टूटने का चांस हो सकता है। एहतियात से अगर रोजा, अगर गुस्ल करे, नाक में पानी चढ़ाए, कुल्ली करे, तो चांस नहीं आता है। जब बेहतियाती करेगा तो सब कुछ है जी, और बेहतियाती नहीं करेगा तो मुमकिन है और बचेगा, उसमें कोई बात नहीं जी। आखिर वजू करते हैं, कुल्ली करते हैं, नाक में पानी डालते हैं, बचते हैं, बचते ही एहतियात से करना चाहिए, एहतियात के साथ करना चाहिए। कभी ऐसा भी होता है कि रात में नापाक हो गया और सुबह सहरी से पहले गुस्ल का मौका नहीं मिला, तो उस हालत में सहरी तो कर सकता है ना? सहरी कर ले जी, वो ऐसी कोई बात नहीं है जो सहरी से मना कर दिया जाए। सहरी करना उसके लिए जायज है और उसके हक में भी सहरी मुस्ताहब है। सहरी कर ले, पानी पी ले, चाय पी ले, और लेकिन नमाज से पहले पहले, फर्ज की नमाज से पहले पहले गुस्ल करके नमाज के लिए तैयार हो जाए जी। क्या रोजे की नियत जबान से करना जरूरी है? जबान से जरूरी तो नहीं है, लेकिन जबान से कर लेना अच्छा है जी। नियत असल में दिल के पक्के इरादे का नाम है। दिल में पक्का इरादा हो जाए कि हम आज का रोजा रखेंगे, कल का रोजा रखेंगे, तो ये नियत हो गई। मगर जबान दिल की तर्जमान है, जबान वही कहती है जो दिल में होता दिल है। में होता है, उसके अलावा नहीं कहती। जब जबान से कह लेगा नवैतो अनसुम सौबा खदिन इंशाल्लाह, या नवैतो सौबा खदिन इंशाल्लाह, तो दिल जब कह लेगा तो जबान उसके दिल के मुताबिक हो जाएगी। तो दिल और जबान दोनों मिल जाए, एक हो जाए, जो दिल कहे वही जबान कहे, जो जबान कहे वही दिल कहे, तो फिर ये नियत बहुत पक्की हो जाती है। तो जबान से भी नियत कर लेना चाहिए जी। क्या जी, क्या कान में पानी या तेल डालने से रोजा टूट जाएगा? कान में तेल डालने से भी रोजा टूट जाएगा, और तेल चला जाए तो भी रोजा टूट जाएगा। चला जाए तो भी, तो भी टूट जाएगा। हाँ, एक होता है जानबूझ के डालना, हाँ, और एक होता है किसी वजह से वो, हाँ, चला जाए, तो दोनों से टूटेगा, दोनों से टूट जाए। मसलन सर में जरा मुनासिब मकदार में तेल लगा लिया और सो गया, और बातें बातें आया कान के सुराख में जाकर के अंदर तक पहुंच गया, दिमाग को भी बसुस हो गया जी, तो उसका रोजा टूट गया। अच्छा, पानी में थोड़ा सा फर्क है। अच्छा, पानी डालेगा जी तो रोजा जाएगा, और हाँ, डालेगा नहीं, नहा रहा था पानी चला गया तो उससे रोजा नहीं जाएगा। अच्छा, तो तेल में पानी में ये फर्क है, हाँ, कि पानी खुद चला जाए तो रोजा नहीं जाएगा, और दाखिल करेगा पानी तो रोजा जाएगा, हाँ, और तेल चाहे खुद चला जाए या खुद डाले, दोनों सूरतों में रोजा जाएगा। तो ये पानी के साथ ऐसा क्यों और तेल के साथ वैसा क्यों? पानी जिंदगी की जरूरत है जी, हम इससे बच नहीं सकते। वजू के लिए भी जरूरत है, गुस्ल के लिए भी जरूरत है, बदन को तर करने के लिए भी जरूरत है, हमारी जिंदगी की जरूरत है। तो जो चीज जिंदगी की जरूरत है, जिसे हम बच ना सकते हो, उसमें शरीयत आसानी देती है। और तेल हमारी जिंदगी की जरूरत नहीं है। कितने लोग हैं जो पूरी उम्र गुजार देते हैं, तेल नहीं लगाते हैं। कुछ लोग तेल के मुखालिफ हैं, कि सर में तेल लगाने से कुछ नहीं होता। हाँ, ये भी होता है, ऐसे भी है। तो जिंदगी की जरूरत वो नहीं है जी। अब कोई इसको लगाता है और वो चला जाए तो इससे रोजा टूट जाएगा। देखिए, दो तरह की चीजें हैं जी। आप रास्ता चल रहे हैं, यहाँ अत्तार की दुकान है कहिए जी, वो थोड़ा सा फजा में उड़ा देते हैं, खुशबू आ रही है साहब जी, खुशबू आपकी नाक में आ रही, कोई बात नहीं है जी। धुआं उड़ रहा है, आप उधर से निकल रहे हैं नाक बंद करके, लेकिन नाक में मुंह में धुआं चला जाता है, नहीं है।
उससे बचना नहीं, बच नहीं सकते आप, धुआं उड़ रहा है तो। लेकिन अगर कोई धुएं के पास खड़ा होकर यूं कर और अंदर को धुआं ले, जैसे जो शादा की भाप ली जाती है, तो अब रोजा जाएगा, क्योंकि भाप लेने की जरूरत नहीं है वहां पर, इससे बचा जा सकता है। तो जिन चीजों से बचा नहीं जा सकता, वो चीज अगर खुद चली जाए तो रोजा उससे नहीं टूटता है, और अपने हाथ इख्तियार से डाला जाए तो रोजा टूट जाएगा। हवा अब चल रही है, गर्द गुबार चल रही है, गर्द गुबार उड़ रही है, मुंह में भी जा गया, नाक में भी चला गया, नहीं टूटेगा। आटा की चक्की जिससे आटा पीसा जाता है, वहां पे आटा उड़ता रहता है, उधर से गुजर गया, कुछ नाक में चला गया, कुछ मुंह में चला गया, नहीं जाएगा, क्योंकि उससे बच नहीं सकते हैं। हाँ, अगर आप उसको मुंह खोकर खींचे, कशीद करें और मुंह में चला जाए, तो अब रोजा जाएगा। तो जिन चीजों से आप बच नहीं सकते हैं, वहां शरीयत आसानी दे देती है। तेल से बच सकते हैं, पानी से बच नहीं सकते जी। तो पानी में गुंजाइश है जी, तेल में गुंजाइश नहीं है जी। प्रेग्नेंट लेडीज जो होती हैं, जो हामिला औरतें होती हैं, उनके लिए रोजों का क्या हुक्म है? हामिला औरत अगर बच्चा बन गया और वो अपने ऊपर गौर करे, अपनी सेहत पर, अपनी ताकत पर, कुव्वत पर, अगर उसे इत्मीनान है तो रोजे रख लेगी, छोटा दिन है, रोजे रख लेगी बच्चे को, और उसको कोई जरूर नहीं है तो रखे। लेकिन दिन बड़ा है और अब आमतौर पर सेहत भी ठीक नहीं रहती है, कोई ना कोई दवा वगैरह चलती ही रहती है, तो उसे ये सही अंदेशा है कि रोजा रखेगी तो उसकी या उसके बच्चे की जान जा सकती है, या कोई बड़ा खतरा आ सकता है, या दिमाग पर असर पड़ जाएगा, तो उसके लिए इजाज़त है कि रोज़ा ना रखे। और जब माह रमज़ान गुजर जाए, बच्चा पैदा हो जाए, जब वो सेहतयाब हो, तो उस वक्त रोज़े की कज़ा कर ले जी। सर में या पेट में दर्द हो तो रोज़ा छोड़ सकते हैं? सर में या पेट में दर्द हो जी, नहीं, पेट में दर्द हुआ तो भी रोजा नहीं तोड़ेंगे, और सर में दर्द हुआ तो भी नहीं छोड़ेंगे जी। तो क्या उसी दर्द ही में पड़े रहे दिन भर? एक सवाल है। तो हमने तहकीक कर ली है जी, और अपने उलमा से इत्तेफाक भी ले लिया है जी, कि अगर हल्का दर्द है तो बर्दाश्त कर ले, कुछ चले टहले, माहौल बदल ले, माहौल बदलने से भी हल्की फुल्की तकलीफ दूर हो जाती है जी। अगर माहौल बदलने से भी नहीं ठीक होता, तकलीफ ज्यादा है, दर्द ज्यादा है, बर्दाश्त भी ज्यादा हो रहा है, बर्दाश्त बाल हो रहा है, तो उसके लिए इजाजत है कि किसी अच्छे डॉक्टर से मिलकर इंजेक्शन ले ले, इंजेक्शन ले ले, पेन किलर, पेन किलर इंजेक्शन ले ले जी। पेन किलर इंजेक्शन लेने से रोजा नहीं जाएगा, और इलाज की जरूरत है तो कराहत भी नहीं है, मकरूह भी नहीं है, तो ये जायज है, ऐसा कर सकते हैं जी। जी जी, बाम लगा सकता है, बाम हाँ, नाक में मत लगाए, नाक में नहीं लगाए, ये सर में लगा ले जी, अगल बगल में लगा ले, नाक में ना लगाए। हाँ, सेंक सकता है पेट को, सेंक ही, हाँ, पेट को सेंक सकता है जी, या बाटल आता है उसमें गर्म पानी रख करके जी, और बोतल को इधर उधर चला सकता है हाँ, ताकि रहा तालील होकर के निकल राहत हो जाए उसको जी। ऐसी चीज ना इस्तेमाल करे जो नाक या मुंह के रास्ते से पेट में जाए जी, ऐसा करेगा तो रोजा टूट जाएगा। और अगर इससे बचता है, इंजेक्शन के इस्तेमाल कर ले, या कोई बाटल में गर्म पानी भर ले, उसको पेट पर सहलाए, या सर में कोई खुशबूदार तेल लगा ले, या सर में बाम लगा ले, ये सब चीजें जायज है, इसमें कोई हर्ज नहीं जी। आपने फरमाया कि पेट में कुछ चला, कोई चीज चली जाए, रोजा टूट जाएगा, पेट के अंदर अंदर हाँ, क्या ऐसी भी कोई सूरत है कि इस्तिंजा करते वक्त अगर पानी चढ़ जाए तो उससे रोजा टूट सकता है, ऐसी कोई सूरत है? इस्तिंजा में एक सूरत तो पेशाब है जी, तो पेशाब में मर्दों के लिए तो ऐसी कोई बात नहीं है जी, कोई भी चीज नहीं चढ़ सकती है जी, और उसके लिए तो कैथेटर का इस्तेमाल भी जायज है मर्द के लिए। अच्छा, क्योंकि वेब थैली है, जहां तक दवाई पहुंचेगी उसी वहीं से वापस आ जाएगी, पेट के अंदर कुछ भी नहीं है जी, तो वो इस्तिंजा भी कर सकता है, कैथेटर तक भी इस्तेमाल कर सकता है जी।
लेकिन पखाने का जो मकाम है जी, इसका लगाव अंदर पेट से है जी। तो अगर बहुत कोशिश के साथ कोई दबाव पेट के नीचे दबाव डाले जी और पानी से बार बार धोए जोर लगा करके जी, तो उसमें अंदेशा है कि जब सिकुड़ेगा बदन का वो हिस्सा जी, तो सिकुड़ने के साथ पानी ऊपर चला जाए जी, उसका रिश्ता पेट से है, पेट में भी कुछ चला जाए तो इससे रोजा टूट जाएगा। अच्छा, एक लफ्ज आता है मकाद, मकाद यानी पखाने का मकाम, वो सुराख मकाद नहीं है। अच्छा, उसके ऊपर एक हिस्सा होता है जी, जिसको मकाद कहते हैं, ये वो जगह है जहाँ डॉक्टर एनमा लगाते हैं, तो वहां तक एनमा को ले जाते हैं जी, जिस जगह तक एनमा को ले जाते हैं उस जगह का नाम मकाद है जी, जी जी जी। अगर पानी वहां तक पहुंच जाएगा तो या तेल पहुंच जाए या पानी पहुंच जाए या कोई जैसे बवासीर क्या की बीमारी जिनको होती है जी, तो अंदर तक दवा चढ़ाते हैं जी, दवा वहां तक चढ़ा दिया तो उनका रोजा चला जाएगा जी। तो बवासीर वाले खास तौर पर दवा का इस्तेमाल दिन में हरगिज ना करें जी, बाहर किसी में थोड़ा बहुत लगा लें लेकिन वहां पे नहीं। अगर दर्द शदीद होता है बर्दाश्त करें, नहीं बर्दाश्त कर सकते तो इंजेक्शन इस्तेमाल करें जी, लेकिन दवाओं का इस्तेमाल ना करें, तेल का इस्तेमाल ना करें जी, मुबालगे के साथ पानी का भी इस्तेमाल ना करें जी। अगर दवा तेल पानी वहां तक पहुंच गया जिसको मकाद कहते हैं जी, जहां डॉक्टर जहां तक एनमा पहुंचाते हैं तो रोजा चला जाएगा जी। ठीक है, क्या सुरमा लगा सकते हैं, क्या उससे रोजा टूटेगा, या फिर ड्रॉप डाल सकते हैं आंख में दवाई? आंखों में अगर किसी को सुरमा लगाने की आदत है वरना तकलीफ होती है तो सुरमा लगा सकता है, कोई बात नहीं है। और अगर कोई यूं भी जीनत के लिए कि कुछ आंखों को राहत मिल जाएगी, कुछ पानी बह जाएंगे आराम मिल जाएगा, तो भी वो लगा सकता है, कोई बात नहीं है। और आंखों में आई ड्रॉप भी डाल सकता है, एक बार दो बार जब जितना भी डॉक्टर बताए वो डाल सकता है, उसमें कोई बात नहीं है। दांतों से खून निकलने की बीमारी हो तो पायरिया, पायरिया यस, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो थूक के साथ वो खून हलक से नीचे उतर जाता है, तो इसमें रोजा टूटने या न टूटने की कौन सी सूरत हो सकती है? अगर कुछ खून निकल रहा है तो मरीज को पहले ही एहसास हो जाता है, तो उसे चाहिए फौरन कि मुंह में पानी डालकर कुल्ली करके थूक दे। लेकिन अगर बेहतियाती हुई, मसलन सो रहा है और सोए में खून निकलता रहा यहाँ तक कि हल्के से नीचे उतर गया, तो अब रोजा टूट जाएगा। और अगर मामूली सा खून निकला कि इधर उधर फैला और थूक में बिखर कर रह गया, तो उससे रोजा नहीं जाएगा। हल्के से नीचे थूक का जाना जरूरी, खून का जाना जरूरी है, अगर वहां तक नहीं पहुंचा है तो रोजा नहीं जाएगा। कोशिश करें कि जिसको पायरिया का अर्जा हो, इसकी शिकायत हो, तो वो कुल्ली कर लिया करे ताकि ये शिकायत ना हो। कभी रमजान से पहले कुछ इलाज भी कर ले ताकि ये दिक्कत ना रहे। कभी कभी हम लोग सफर करते हैं माह रमजान में, क्या करते हैं सफर ट्रैवलिंग करते हैं, तो कभी हमारे यहाँ कम रोजे होते हैं, कभी दूसरी जगह कम रोजे होते हैं, कभी यहाँ ज्यादा होते हैं, कभी वहाँ कम होते हैं, डिफरेंस होता है चांद की वजह से या फिर जोग्राफियाई हालात की वजह से। इसको ज़रा समझाइए कि जैसे मैं किसी जगह से आया, वहाँ 28 रोजे हुए थे मिसाल दे रहा हूँ, और मैं यहाँ आया 29 हो गए थे और कल ईद है, तो यहाँ आने के बाद मैं क्या करूँगा? अच्छा, यहाँ पे चांद हो गया चांद साबित हो गया जी, तो वो ईद कर ले और एक रोजे की कजा कर ले। हाँ। और कभी किसी जगह मैं चला गया, मेरे 30 रोजे हो गए थे और मैं ऐसी जगह पहुंचा जहां 29 हुए थे, चांद हुआ नहीं, तो एक रोजा और रखे। अच्छा, तो 31 हो जाएंगे, कोई बात नहीं, 32 हो जाए, ये तो अल्लाह का करम है जी कि मजीद रोजों की सआदत मिल रही है जी। कुरान शरीफ में अल्लाह कुरान पाक ने इसका बयान किया है, मैं अपनी तरफ से नहीं कहता कुछ जी, कुरान पाक में ये ने बयान कर दिया, फमन शाहिदा मिनकुम अश-शहर फलयसुम जी, तुम में से जो कोई
रमजान का महीना पाए तो वो रोजा रखे। अच्छा, तो यहाँ रात गए तो रमजान का महीना नहीं था, वहां गए तो रमजान का महीना है। जी जी जी, ठीक है, उसका एहतराम करें, उसका एहतराम और रोजा रखे। जैसे मान लीजिए जी, हम यूपी से आते हैं, यूपी में यहाँ से लगभग 50-55 में पहले दिन डूब गया। जी जी जी, ठीक है ना, तो हम वहां रहते तो इफ्तारी मसलन 50 मिनट पहले कर लेते हैं। जी, मगर हम आ गए सफर करके यहाँ, तो ऐसा तो नहीं है ना कि वही 50 मिनट पहले यहाँ इफ्तारी कर लें। नहीं, यहाँ तो हमको रमजान का महीना मिल रहा, दिन मिल रहा है। लेकिन हजरत, एक ऐसा वाक्य मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, उमरे पर जा रहा हूँ, फ्लाइट में सवार हैं, शाम का वक्त है, फ्लाइट ने टेक ऑफ किया, अब जाते जाते क्योंकि 2.5 घंटे का फर्क वो पीछे है, जी जी, और बाहर सूरज नजर आ रहा है, और लोगों ने कहा टाइम हो गया, बम्बई में टाइम हो गया, और सीधे खाना शुरू कर दिया फ्लाइट में। मैंने मना भी किया कि नहीं, वहाँ बम्बई में टाइम हुआ है, अभी ये आगे बढ़ता जाएगा, अभी वेट कीजिए, गुरूब होने दीजिए, लेकिन नहीं माने। उन्होंने गलत किया जी, उन पर उस रोजे की कजा फर्ज है। जी, उस रोजे की कजा करनी, रोजे कजा फर्ज है जी। उन्होंने दिन पाया, कुरान पाक में है, अतीमु सियामा इलल्लैल, रोजा पूरा करो रात तक, वो जहां है वहां तो रात आई नहीं, आई नहीं जी। कुरान ने कोई फर्क नहीं किया नीचे ऊपर और दाहिने बाएं उत्तर दक्षिण का। आदमी जहां है वहां पे दिन है कि नहीं, रमजान का दिन है कि नहीं है, रमजान का दिन है तो उसे रात का इंतजार करना है जी। एक मरतबा मैं खुद रमजान शरीफ में 2007 ईस्वी में जी, यहाँ मैंने इफ्तारी की सहरी खाई और फिर साहब सफर हो गया उमरे का जी, तो 2.5 घंटा ज्यादा मुझे रोजा रखना पड़ा जी। बंबई का लिहाज करता तो 2.5 घंटा पहले ही पहले हो जाता, बुखार भी था और रोजा भी था, तो मैंने कहा दोनों मुकाबला कर लो, हम तो जब दिन डूबेगा तभी इफ्तार करेंगे, तभी करेंगे जी। सुभानअल्लाह, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैं इंग्लैंड जा रहा था, यहाँ से दोपहर की फ्लाइट थी जोहर के बाद की, 5.5 घंटे का फर्क था, तो वो मुसलसल चलता ही रहा, रोजा चलता ही रहा, यहाँ तक कि जब फ्लाइट लैंड होने लगा तब सूरज गुरूब हुआ, और उसके बाद मुझे रोजा इफ्तार करना हुआ। अल्लाह कबूल फरमाए, तकब्बल अल्लाह, आमीन। एक शख्स लाइलाज मर्ज में मुब्तला है, आपने फिदिया का हुक्म बताया था, फिदिया देने का, वो फिदिया देना भी चाहता है लेकिन रकम नहीं है उसके पास फिदिया देने के लिए, तो क्या कर्ज लेके फिदिया देगा? यानी मोहताज है वो? हाँ, नहीं नहीं, कर्ज लेकर फिदिया नहीं देगा, अल्लाह उसे माफ फरमाए जी, उसे हुक्म है कि यस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फार करे। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह। कुछ ऐसे आज़ार हैं रोज़ा न रखने के लिए, जिसमें से एक दूध पिलाने वाली माँ को भी उस वक्त जब तक वो दूध पिलाती है उसको बच्चे को, तो उसकी वजह से वो रोज़ा बाद में रख सकती है, सही है ना? लेकिन आजकल दूध की जगह बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में आ गए हैं जो दूध के मुतबादिल होते हैं, मेडिकल स्टोर में दस्तियाब होते हैं, तो क्या अब भी वो गुंजाइश बाकी रहेगी रोज़ा न रखने की? ये डब्बे के दूध की वजह से? डब्बे के दूध की वजह से जी। असल में औरत को, हामला औरत को या दूध पिलाने वाली औरत को जो छूट है, ये रुखसतु मिन अल्लाह है, अल्लाह की तरफ से छूट है जी। अल्लाह हदीस पाक से साबित है कि अल्लाह ने हामला वाली औरत को, दूध पिलाने वाली औरत को रोजे से छूट दे दी है, तो जो छूट अल्लाह ने दे दी, जो माफी अल्लाह ने दे दी, तो डब्बे का दूध उसको लाजिम कर देगा? कभी नहीं हो सकता है। डब्बे का दूध इजाद हुआ, इजाद हो और अच्छे से अच्छा इजाद हो बेहतर है, लेकिन उसकी वजह से अल्लाह की जो रहमत है, जो रुख्सत है, जो छूट है, ये बाकी रहेगी, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। असल में माँ के दूध में जो की जो कदर कीमत है और उसकी जो अहमियत है, फादियत है, वो डब्बे के दूध में नहीं है। और बच्चे का हक भी है कि माँ उसको दूध पिलाए 2 साल तक, तो माँ अगर दूध पिलाती है और उसे अंदेशा है कि हम रोज़ा रखेंगे तो दूध टूट सकता है, बच्चे के लिए मेरे लिए हलाकत का, परेशानी का बाइस हो सकता है,
तो उसके लिए अल्लाह की तरफ से छूट है, रुख्सत है, और वो रोज़ा छोड़ दे, बाद में रोज़े की कज़ा करे। चलिए, उसने रोज़ा छोड़ दिया, बाद में कज़ा करने वाली थी, फिर से हामिला हो गई, तो वो गिनती जारी रखे जी, जितने रोज़े छूट जाए उनकी गिनती जारी रखे, और जब उसे फुर्सत मिल जाए तो अब रोज़ों की उसके बाद अदा करें। अच्छा, औरतें इत्तेकाफ कर सकती हैं? रोज़े रखना बहुत आसान होता है, उनको नमाज पढ़ना मुश्किल है, रोज़ा रखना आसान है, तो अपना काम भी करती हैं, रोज़े भी रखती रहती हैं। औरतें इत्तेकाफ कर सकती हैं? ये माह रमज़ान का जो आखिरी अशरे का इत्तेकाफ है वो, हाँ, अपने घर में, मस्जिद में तो नहीं आएगी वो जी, अपने घर में वो नमाज पढ़ें जी, और कुछ हिस्सा घर का खास कर लें नमाज के लिए। अच्छा, वो अपने तौर पर मुकर कर लें कि यहाँ से लेकर इतना हिस्सा, मसलन एक रूम छोटा ही सही, उसको खास कर लें कि इसमें वो नमाज पढ़ेंगी वो, और उसको मस्जिद बैत के, वो मस्जिद बैत है, बैत ना, रूम वाली मस्जिद, कमरे वाली मस्जिद जी, तो उतना हिस्सा उनके हक में मस्जिद के हुक्म है, और वो उसमें एतकाफ करना चाहे तो एतकाफ कर सकती है। अगर लेकिन दूसरे रूम में गई तो एतकाफ फासिद हो जाएगा? तब एतकाफ फासिद हो जाएगा। अच्छा, हाँ, तो फिर उनको उसी रूम में रहना पड़ेगा जिस रूम को उन्हें मस्जिद बनाया है, उसी में रहना पड़ेगा, उससे बाहर नहीं जा सकती। तो उससे बाहर गई और फासिद हो गया तो फिर क्या करेगी? तो जो फासिद हो गया फासिद हो गया, वो एतकाफ नफल है तब कोई बात नहीं है, और रमजान के आखिरी अशरे वाला एतकाफ है जो सुन्नत मौकदा है जी, तो अब तो ये फासिद हो गया, वो मुकम्मल नहीं हो सकता है, तो उसकी कजा नहीं होगी? नहीं, कजा नहीं हो सकता। किसी ने एतकाफ की नजर मानी कि मेरा ये जायज काम हो जाएगा तो मैं लगातार 5 दिन का एतकाफ करूंगा, अगर वो दिन का एतकाफ करूंगा, अब जाहिर सी बात है मस्जिद में ही करेगा, हाँ, किसी वजह से वो एतकाफ टूट गया, वो बाहर निकल गया या कोई और वजह हो गई, तो वो कजा उसे सिर्फ उस एक दिन की करनी होगी या पूरे 5 दिन की? इसे तो मिन्नत मानी है ना, हाँ, और लगातार एतकाफ करने की मिन्नत मानी है 5 दिन की, हाँ। यस, तो जो आदमी अपने ऊपर वाजिब करेगा तो जिस तौर पर वाजिब करेगा उसी तौर पर उसको अदा करना है। अच्छा, लगातार की मिन्नत मानी उसने तो लगातार 5 दिन पूरे करने पड़ेंगे, और 5 दिन पूरे होने से पहले उसने किसी वजह से छोड़ दिया तो फिर 5 दिन मुसलसल रखना पड़ेगा। अच्छा, और ऐसा कोई कैद अपने ऊपर नहीं लगाई? हाँ, कैद नहीं लगाई, लगातार की, मुसलसल की, अलल इत्तिसाल की, ऐसी कोई कैद नहीं लगाई है जी, तो मुतलक रखा है जी, तो उसको दो एक दिन एक दिन करके वो कर रख सकता है, तब कोई बात नहीं। वैसे ऐसी नजरें मिन्नत मानने वाले बहुत कम लोग होते हैं, हाँ, थोड़ी मशक्कत वाली होती जी है जी जी। हाँ, इसमें एक चीज और भी याद रखनी होगी जी, कि मिन्नत का जो एतकाफ है इसके एतकाफ के लिए रोजा भी जरूरी है, हाँ, बगैर रोजे के कोई एतकाफ नहीं होता है जी, तो 5 दिन का एतकाफ है तो 5 दिन का रोजा भी रखना, रोजा भी रखना होगा, रोजा रखे और एतकाफ करे 5 दिन जी। किसी के पास तिजारत के लिए 5 लाख रुपए हैं जिसकी बुनियाद पर वो मालिक निसाब है, 5 लाख जी, मगर उसने घर बनाने के लिए बैंक से लोन लिया है जो तकरीबन 25 लाख का है। अच्छा, अब वो मकरूज हो गया, हर साल उसको 2.5-3 लाख रुपया बैंक में भरना पड़ता है, जो महीने की किस्त होती है उस मुताबिक। अब वो 5 लाख की वजह से मालिक निसाब था, 25 लाख की वजह से मकरूज हो गया, अब जो ज़कात उसको देनी है वो जो हर महीना जो भरता है वो माइनस करके निकालेगा, या जो अमाउंट बैंक से लिया वो पूरा माइनस करके फिर वो फारिग होगा? इस मसले में कुछ उलमा का इख्तलाफ है। अच्छा, अक्सर उलमा तो यही कहते हैं कि कर्ज को माइनस कर लें कर्ज को, और कुछ उलमा ये कहते हैं कि साल भर में जितना कर्ज देगा उतना माइनस करें और बाकी जो बचे उसकी ज़कात दे। तो इसमें एहतियात ज़्यादा है, एक तो एहतियात ज़्यादा है, दूसरे ये कि आदत बनी रहेगी ज़कात देने की, बुख्ल नहीं आएगा, और अगर अल्लाह के रास्ते में कुछ ज़्यादा चला भी जाए तो अच्छी ही बात है, अल्लाह के रास्ते में कुछ ज़्यादा हो जाए तो साल भर का जो कर्ज है उसको निकाल दे, और उसको निकालने के बाद जो इसके बाद बचता है उसकी ज़कात दे दे जी।
अब अगर वाकई में ज़कात नहीं है जी तो उसकी तरफ से सदका व खैरात हो गया जी, और अगर है तो उसका जिम्मा बड़ी है हो गई, और बाहर अल्लाह की तरफ से तो बरकत और रहमत और नेमत उसको मिलनी ही मिलनी जी। तो आदत इसी का बनाई है कि ऐसा ही कीजिए, आदत को छुड़ाना अच्छा नहीं है जी, देना अच्छा है। हाँ, साल भर का कर्ज आता है निकाल लीजिए जी, और साल भर में जी उस पर 2 लाख का कर्ज, 2 लाख के कर्ज की अदायगी आती है, 5 लाख है जी, 2 लाख निकाल दिया, हाँ, 3 लाख बचा, 3 लाख की ज़कात दे दे जी जी। फिदिये क्या रिश्तेदारों, फिदिये की रकम या जो खाना है वो रिश्तेदारों को दिया जा सकता है? मिस्कीन हो तो दे सकते हैं ना, मिस्कीन हो हाँ, तो शर्त मिस्कीन की है, फिर वो कोई भी हाँ, हो जी। पिछले साल घर लिया, अब उस पर वो घर उसमें ये वसूल और फुरू से ना हो, फुरू जैसे बेटा बेटी वाला ना हो, वसूल हाँ, जैसे बाप दादा पर दादा दादी दादी ये लोग ना हो, भाई बहन हो, दूसरे रिश्तेदार हो, कराबतदार हो, उनको खिला सकते हैं, दे सकते हैं। पिछले साल एक घर लिया था, अब उस घर को सेल करके नया फ्लैट ले रहा है, तो जो प्रॉफिट उसको मिलेगा, जैसे किसी ने बेचा घर और नया फ्लैट उस पर ज्यादा रकम मिल रही है उसको, तो जकात किस पर होगी? अच्छा, पिछले साल लिया था, इस साल बेच रहा है। असल में फ्लैट की जकात फ्लैट पर ही फर्ज होती है। अच्छा, फ्लैट की जकात फ्लैट पर फर्ज, जैसे सोना और चांदी है तो सोने की जकात सोने पर फर्ज है, यानी सोने की जगह सोने से ही अदा की जाएगी जी। चांदी की जगह चांदी पर फर्ज है, यानी चांदी की जगह चांदी से ही अदा की जाएगी। अच्छा, फ्लैट पर जकात हो रही है तो फ्लैट की जगह फ्लैट पर ही फर्ज है, यानी फ्लैट से ही अदा की जाएगी जी। लेकिन कोई फ्लैट नहीं देता है, फ्लैट बचाना चाहता है, तो जिस वक्त फ्लैट का फ्लैट वाजिब होता उस वक्त जितना दाम उसका होता उतना दाम देगा जी, आज का रेट देगा वो जी, आज का रेट, आज का रेट देगा जी। सोना आज उस पर वाजिब हुआ कि आज मसलन 5 ग्राम सोना जकात में दे दे, वो चाहता है सोना ना दे तो उसका दाम दे, वो दाम जो आज सोना देता तो दाम मिलता वही दाम दे दो उसको जी, मौजूदा रेट जी। इफ्तारी या सहरी किन लोगों के पैसों से की जा सकती है? इफ्तारी या सहरी या दोनों जी, जिनका माल हलाल हो जी, पाक हो और पाक नियत से खिलाएं पिलाएं, तो उनके पैसे से इफ्तारी भी कर सकते हैं और सहरी भी कर सकते हैं। मोमिन होना भी शर्त है? नहीं, मोमिन होना तो शर्त नहीं है जी, पाक होना, हलाल होना चाहिए, पाक होना चाहिए, हलाल हो, पाक हो, पाक नियत हो। पाक नियत मतलब एहसान जताने के लिए कोई ना दे जी, अगर हम में से कोई एहसान जताने के लिए देता है तो नहीं मंजूर है, और अगर वो देते हैं पाक नियत से कि पवित्र इबादत है कुछ हमको भी मिल जाएगा जी, तो ले सकते हैं, ले सकते हैं। अच्छा, इसी पर हम नशिश को मुकम्मल करेंगे, लेकिन थोड़ी सी नसीहत कल के ताल्लुक से फरमा दें, शबे बरात के ताल्लुक से, कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। शबे बरात तो कल है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आज ही से तैयार बैठे हैं, हमने तो तैयारी देखी तो हमें लगा कि शबे बरात जैसे आज ही है, आज ही है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग तैयार हैं, किताबें उलमा ने बहुत लिखी हैं, मैंने भी लिखी है, और उसमें एक बड़ी प्यारी हदीस है जो आपने बारह सुनी है और मैं भी सुना करके आप लोगों की इबादत में हिस्सेदार बनना चाहता हूँ, कि जब शाबान की 15वीं शब आती है यानी सूरज डूबता है और मगरिब का वक्त शुरू हो जाता है, उसी वक्त से अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला जलालू की बारगाह से ऐलाने आम होना शुरू हो जाता है, रहमत की बरसात बरसने लगती है, हर कोई रहमत का तलबगार कि मैं उसे रहमत दूं, बख्शिश का तलबगार कि मैं उसे बख्श दूं, रोजी का तलबगार कि मैं उसे रोजी दूं, आफियत का तलबगार कि मैं उसे आफियत अता करूं, है कोई ऐसा और ऐसा और ऐसा
कि वो जो भी मांगे मैं उसको अता कर दूं। एक ये है कि हम लोग रोज दुआ करते हैं, अल्लाह ये कर दे, वो कर दे, ये दे दे, वो दे दे, और कल की जो शब आ रही है तो दिन डूबते ही ऐलान शुरू हो जाएगा कि अब है कोई जो मांगने वाला, जो मांगेगा उसको अता करूंगा। सुभान अल्लाह। और ये ऐलान रहमत, ये ऐलान बख्शिश, ये ऐलान मगफरत, ये ऐलान नेमत व बरकत रात भर जारी रहता है। कब तक? वही सुबह सादिक के तुलू होने तक। तो कल की रात आप कोशिश करें कि तैयार होकर के रहें और अल्लाह की इबादत करें। इबादत में क्या करेंगे तो इस बात को हमें समझ लेना चाहिए। सबसे पहले आप इस्तिग़फ़ार करें, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। अल्लाह ताला तरफ से जो ऐलान होता है उसमें खास ये बात है कि है कोई बख्शिश के तलबगार जिसके मैं बख्श दूं। आप अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते रहिए, इधर पढ़ते जाएंगे उधर बख्शिश का परवाना मिलता चला जाएगा। आप अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते रहिए और उधर बख्शिश जारी रहेगी इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से। जब कम से कम 101 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ लें तो दूसरा काम क्या करना है? तिलावत कीजिए, बैठिए और कुरान पाक की तिलावत कीजिए। हदीस पाक में है, हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जो कोई तिलावत कुरान करे, मेरा कलाम तिलावत करे, और इसलिए वो मुझसे सवाल ना कर सके, मुझसे मांग ना कर सके, मुझसे दुआ ना कर सके, तो मैं उससे अफजल उसको अता करूंगा, उससे बेहतर अता करूंगा, उससे ज्यादा अता करूंगा जो मांगने वालों को देता हूं। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। वहां मांगने की जरूरत नहीं है जी, दिल लगाने की जरूरत है जी। अल्लाह तरफ दिल लगाइए और तिलावत कर दीजिए, मांगने तो जितना पाते उससे बहुत ज्यादा पाएंगे जब आप अल्लाह के कलाम तिलावत करेंगे जी। तीसरा काम, दुरूद शरीफ। आप दुरूद शरीफ की बारी आई है, दुरूद शरीफ पढ़िए, खूब पढ़िए, हजारों बार दुरूद शरीफ पढ़िए, कम से कम 1100 बार दुरूद पाक पढ़िए। हजरत उबैय बिन काब रज़ियल्लाहु ताला से रवायत है, हदीस सही है, या रसूल अल्लाह मैं इबादत करता हूँ और एक तिहाई वक्त में दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ। सरकार ने फरमाया अच्छा है, और कुछ और दुरूद शरीफ पढ़ो तो बेहतर। सुभान अल्लाह। तो समझ गया कि इसका मतलब दुरूद शरीफ की अहमियत बहुत ज्यादा है। तो अर्ज किया, हुजूर तब मैं आधा हुआ दुरूद पाक पढ़ा करूंगा। तो फरमाया सरकार ने बेहतर है, और इससे ज्यादा पढ़ो तो और बेहतर। सुभान अल्लाह। तो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह तब मैं 3/3 औकात में दुरूद शरीफ पढ़ूंगा। फरमाया बहुत अच्छा, और इससे अच्छा है, इससे भी अच्छा है कि और ज्यादा पढ़ो। तो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह तब मैं पूरे औकात में आपकी बारगाह में दुरूद पाक का तोहफा पेश करता रहूंगा। तो सरकार सामने फरमाया एज़ई यकफी हमका, तुमने ऐसा कर लिया तो अल्लाह तेरे सारे काम बना देगा। सुभान अल्लाह। मांगने की जरूरत नहीं है, कहने की जरूरत नहीं है, बल्कि क्या जरूरत है? पढ़ते जाओ। ये जो होशियार भिकारी, कुछ भिकारी आते हैं तो कहते हैं दे दो अल्लाह के नाम पर, जरा ये दे दो, तेरा ये दे दो, मगर जो होशियार होते तो मांगते नहीं है, कहते हैं कि तुम्हारा लाल खूब जीता जी रहे, खूब खुश होता रहे और फलता फूलता रहे। तो पहले मांगने पर कोई अगर 10 रुपए देगा तो उसके लाल के लिए दुआ कर रहा है तो 100 रुपए देगा, 50 रुपए देगा। तो आप वो अंदाज इख्तियार कीजिए ना। है गुंजाइश 2 मिनट और? हाँ, 4 मिनट ठीक है। एक चीज और जरूरी मैं बता दूं आपको जी। आज की रात में लोग, आज से मुराद मैंने आज ही समझ लिया शब रात है, तो मगर मैं आज भी कहूं तो उसको आप कल ही समझिएगा जी। तो कुछ इलाकों में है आज, कुछ इंग्लैंड में आज है। अच्छा, चलिए माशाल्लाह जी। तो कुछ लोग सुन तो, रहे हैं जी जी माशाल्लाह। तो एक जरूरी बात, बहुत ही जरूरी, इंतहाई जरूरी यह है कि लोग नफल नमाजें पढ़ने वाले पूछते हैं सलात तो तस्बीह कैसे पढ़ेंगे, ये कैसे पढ़ेंगे, वो कैसे पढ़ेंगे। सुनिए, आमतौर पर हम लोगों के जिम्मे कजा नमाजें, फर्ज नमाजों की कजा है। फर्ज छोड़कर नफल पे आए ये अच्छी बात नहीं, समझदारी की बात नहीं है जी। आप इस रात में फर्ज नमाजों की कजा पढ़िए,
और रोजाना की 20 रकातें कजा हैं, 2 फजर 2 रकात फजर, 4 रकात जुहर, 6 रकात, 4 रकात असर, 10 रकात, 3 रकात मगरिब, 13 रकात, 4 रकात ईशा, 17, और 3 रकात वितर वाजिब 20। तो एक एक दिन की नमाज पूरी करते जाइए, 20-20 रकात की कजा करते जाइए एक एक दिन की। ये आपके लिए सलात तस्बीह से और दूसरी नफल नमाजों से बेहतर, इसको ऐसे आप समझिए जी कि आपके जिम्मे किसी सेठ साहब का 10,000 रुपया कर्ज है जी, आप पास कुछ पैसा हुआ तो आप इनको लुटा रहे हैं, उनको लुटा रहे हैं, इनको बांट रहे हैं, उनको बांट रहे हैं, लेकिन उस सेठ साहब पा जाएंगे तो छोड़ेंगे तो नहीं जी, उनका तो कर्ज है। आप कहेंगे अरे मैंने ये तकसीम किया कर्ज तुम और कर लो, ले हमारा तो 10,000 कर्ज देना पड़ेगा। अगर यहाँ नहीं दिया तो दारी का तरीका यह है, समझदारी यह है, पहले कर्ज अदा करो, फिर उसके बाद बच जाए तो सदका खैरात भी कर लो। तो फर्ज नमाज की कजा आप पर फर्ज है, वाजिब नमाज की कजा आप पर वाजिब है, तो फर्ज को अदा कीजिए इस मुबारक रात में, तो इंशाल्लाह उसकी मुबारक रात की फजीलत भी मिलेगी, अजमत मिलेगी, अहमियत मिलेगी, सवाब मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और कैसे मिलेगा, हमेशा फर्ज नमाज का सवाब नफल नमाज से ज्यादा होता है और बहुत ज्यादा होता है। तो जब फर्ज की कजा कीजिएगा तो अल्लाह का कर्ज भी अदा होगा, और नफल पढ़ते आप तो जो सवाब मिलता उससे बहुत ज्यादा सवाब आपको इस फर्ज के अदा करने से मिलेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो कल की रात जो है, जो मैंने 3 बातें बताई, इस्तिगफार कीजिए 101 मरतबा, उसके बाद क्या बताया था, तिलावत कीजिए जी, इसके बाद क्या बताया था, दुरूद शरीफ पढ़िए, इसके बाद जो है अब जो वक्त आपका मिलता है ना उसमें कजा नमाजें रोजाना की 20-20 रकात कजा की नियत से पढ़ते चले जाइए। सुभान अल्लाह। आपको नफल नमाज पढ़ने से जो सवाब मिलेगा उससे बहुत ज्यादा सवाब मिलेगा जब आप कजा नमाजें अदा करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमको आपको सबको आमीन आमीन इन नसीहतों पर शरिया काम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए आमीन। कल 2 इज्तिमात में इंशाअल्लाह शरीक होना है, सॉरी हजरत नहीं हो गया, कल दरगाह मस्जिद डॉकयार्ड रोड, आपने देखी है, देखी है नहीं देखी है ना, नहीं देखी हो तो एक दूसरे से पूछ लीजिए, डॉकयार्ड रोड पर स्टेशन के बिल्कुल सामने ही है, पाइन रेस्टोरेंट के पास, पेट्रोल पंप के बिल्कुल पास, वहाँ हर साल ये जिक्र दुआ का अहतमाम थोड़ी सी महफिल होती है, जहाँ मुझे ये सआदत मिलती है कि मैं आपके साथ रात भर बिताता हूँ, 1 बजे रात से सहरी तक इंशाल्लाह आएंगे आप इंशाल्लाह, इंशाल्लाह शरीक हो जाए। दूसरी महफिल वहाँ शरीक होना है तो वहाँ होइए, और बुखारी मस्जिद पाला गली डोंगरी पर वहाँ 2 बजे से हज़रत अमीर सुन्नी दावत इस्लामी वहाँ पर बयान फरमाएंगे इंशाल्लाह। तो दोनों जगहों पर जहाँ आपको सहूलत हो उसमें आप शिरकत फरमाएं और इस रात को इबादत में गुजारने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हज़रत आपको जज़ाई खैर अता फरमाएं, आज हमने बहुत सारे सवालों के जवाब हासिल किए और बहुत तफसील से और आसानी से हमने समझा, अल्लाह मज़ीद इल्म हासिल करने की तौफीक दे और आपको सेहत व सलामती अता फरमाएं। जी साथियों से गुजारिश है कि आगे इज्तिमा को जो कम्प्लीट करना है उसको वक्त के मुताबिक कम्प्लीट करेंगे। हाँ जिक्र दुआ करा देते हैं हज़रत, अगर आप